हाय, मैं वही आपका कमल ट्रैकिंग गाइड फ्रॉम बीट बिलिंग वर्किंग फ्रेंड्स टूर एंड ट्रेवल। तो आज भी हम ट्रैकिंग पे, थोड़ी सी बारिश लग पड़ी थी, अभी थोड़ी रुक गई, और आज मेरे पास तीन क्लाइंट कलकत्ता से, अपने मिथुन चक्रवर्ती के इलाके से। तो काफ़ी अच्छा रहता है, ट्रैकिंग करनी चाहिए और आप भी करो। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप बीट बिलिंग ही आओ, आप इंडिया में कहीं भी छोटे मोटे टूर कर सकते हैं, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1-2 महीने के बाद एक छोटा सा ट्रिप निकालो हॉलीडे टाइम में, जो आप घर में भी आप मॉर्निंग वॉक जारी रखो, और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं जिम जाम ज्वाइन करो अपने आप को फिट रहने के लिए। बस आप जैसे जैसे करते जाएंगे, पहले 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जैसे जैसे करते जाएंगे उसके बाद आपकी स्टेमिना बनती जाएगी। उसके बाद लॉन्ग टूर 6 दिन, 8 दिन, 12 दिन का भी कर सकते हैं, उसके लिए हॉलीडे आपको निकालना पड़ेगा। तो उसी में पता लगता है कि नेचर से कॉन्टैक्ट कैसे किया जाए, अपने आप को फिट कैसे रखा जाए, और नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल वाटर, नेचुरल एवरीथिंग, नेचुरल विंड, तो कैसे इनके साथ इतना इंजॉय हो जाता है। सिटियों में मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा काम होता है, फिर भी आप 1-2 महीने के बाद एक छोटा सा हॉलीडे निकालो, आप कहीं भी करो। यहाँ भी हिमाचल में भी काफ़ी टूर है, धर्मशाला त्रिउंड, स्नो लाइन, लाका ग्लेशियर, इंद्रार पास, इधर बीट बिलिंग और कुल्लू मनाली में खीरीगंगा ट्रैक, छोटे छोटे हैं फिर भी आप करते रहो। और बाकी आप जानते ही है जो ट्रैक करता है कैसा फिट रहता है। मेरा यूट्यूब में कमल ट्रैकिंग गाइड करके सर्च मारो और बढ़िया वाली फीलिंग वाली मूवियाँ देखो, ताकि मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँ वहाँ वहाँ तक आपके पास वहाँ की सीनरी पहुँचा सकूँ। सो थैंक यू गाइज एंड जय हिंद। तो ए मेरे क्लाइंट कलकत्ता से, तो अब इन ए हमारे एक एक से लिखता हूँ। हाय मुनीश जी। हाय, हाय कमल जी, वेलकम टू बीट बिलिंग। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पहला ट्रैकिंग है कमल जी के साथ, बहुत मजा आ रहा है करने में, एडवेंचर स्पोर्ट है। थैंक यू कमल जी। तो आपने पहले किया है? ना, पहली बार है। ये पहली बार है, फिर भी आप इतना अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आपके लिए। और घर में इस फिटनेस को बिल्कुल सही रखो और मॉर्निंग वॉक किया करो, फोकस थोड़ा सा टाइम निकाल के जिम जाम भी जाया करो, और आप अपने आप फिट हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू कमल जी। सो पैराग्लाइडिंग करने का क्रेज आपका कब से था? बस 3-4 महीना पहले ही आया। ओके, थैंक यू मनीष जी। थैंक यू कमल जी। और ए अंकित जी। अंकित जी, वेलकम टू बीट बिलिंग। हेलो कमल जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, नेचर के बीच में आके, जो चीज मैंने सोचा नहीं था। लाइक कल मैं सोच रहा था कि 4 घंटे अपने ट्रैक कर रहे हैं, तो सोचा 4 घंटा कोई जगह घूम लेते, देखने की जगह है वो कर लेते, 4 घंटा ट्रैक करने में टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर लगा कि नहीं करना चाहिए, ट्रैक करने का भी अपना मजा है, लेकिन आज यहाँ पे आके फील हो गया कि 4 घंटा 5 घंटा जो भी लगेगा, इट इज एक्चुअली वर्थ इट। सही बात, इसके जैसा कोई दूसरा साइट सीइंग का एक्सपीरियंस नहीं है, स्पेशली एंड इफ यू हैव अ गुड गाइड जिसको आइडिया है चीज की, पुरानी चीजों के बारे में बता रहे, हर एक चीज का सिग्निफिकेंस बता रहे, सो दैट ऑल्सो एड्स ऑन टू योर एक्सपीरियंस। सही बात, ऑल द बेस्ट टू यू। तीन चार दिन पहले भी मेरे पास एक अंकुश नाम का लड़का था, आपके जैसा ही था, सेम टू सेम। यहाँ उन्होंने यही एडवाइस दी थी, सचमुच एक डिफरेंट एक्टिविटी करनी चाहिए पहाड़ों में, एक नेचर के साथ अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए। मैंने गाने लगाए थे, मैंने गाने बंद किए, क्योंकि आसपास की हवा और आप आसपास की आवाज़ें इतनी अच्छी है कि हम उसके साथ थोड़ा सब कुछ भूल के एक वो करें। इसके बारे में, ट्रैकिंग के बारे में क्या फीलिंग है आपकी, करना थिंकिंग है आपकी कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, नेचर के बीच में आके। नॉर्मली अपने सिटी के लाइफ में इतने व्यस्त रहते हैं, सारा दिन प्रदूषण पोल्यूशन ये सब रहते हैं, ऐसे नेचुरल हवा में सांस लेने का, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्चुअली मैं एक नदी का पानी पीऊँगा। मतलब जब कमल जी ने सुबह मेरे को बोला था कि वहाँ पे नदी का ही पानी पीते हैं, सब लोग बहुत बढ़िया रहता है, आपको नहीं पसंद है तो बॉटल वाटर ले लो, मेरे को लगा था मैं बॉटल वाटर ले लूंगा, मुझे नहीं पीना है नदी का पानी। बट यहाँ पे जब आया, मैंने पिया, एक टेस्ट किया तो इतना अच्छा लगा, एक्चुअली मैं वो बॉटल वाला पानी को फेंका और नदी वाला पानी बॉटल में भरा, अभी मैं पी रहा। तो ये देखो, कलकत्ता से, अपने मिथुन चक्रवर्ती के इलाके से, और कलकत्ता के क्लाइंट भी आज बीट बिलिंग का मजा लेने यहाँ इन पूरी एक्टिविटी करवा रहे इनसे, और ट्रैकिंग, कैंपिंग, पैराग्लाइडिंग, हर कुछ करने का क्रेज इनमें, और वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट पॉइंट पैराग्लाइडिंग में, बीट बिलिंग में इन्होंने भी क्रेज रखा पैराग्लाइडिंग का। सो थैंक यू मनीष जी एंड अंकित जी।
कुछ और बोलना चाहोगे? नहीं। और ये हमारे पल्लवी जी, पल्लवी जी मोस्ट वेलकम टू बीड बिलिंग। आपको कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। शुरू में दिक्कतें जरूर होती है लेकिन आस्ते आस्ते स्टेमिना बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा दूसरा ट्रैक है, मुझे तो हमेशा ही ट्रैक में दिक्कत होती है, होती है। वो थोड़ी फिटनेस का प्रॉब्लम है, नहीं तो मजा बहुत आता है। फिटनेस में कहाँ प्रॉब्लम है आपको? मतलब आप बीमार हुए थे पहले, थक जाते हैं, लेकिन आप कॉन्फिडेंस लूज तो नहीं करते हर ट्रैकिंग में? नहीं, कंप्लीट करती हूं। और वहां जाके क्या करते हैं आप? सीधा मतलब ऑफिस में जाना और रूम में आना यही करते हैं कि कुछ और एक्टिविटी या मॉर्निंग वॉक कुछ घर में ही जिम जाम? पहले जिम जाती थी आपने? अच्छा, पहले जिम जाते थे और बॉडी शॉडी पहले बना ली, अब वो सिकुड़ रही है आस्ते आस्ते। तो पल्लवी जी, आप जिस टाइम ये पैकेज को चूज किया तो किस चीज़ का क्रेज था बीट बिलिंग में? पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग? पैराग्लाइडिंग का, ट्रैकिंग का इनको बिल्कुल भी क्रेज नहीं था। और अच्छा, करी हुई थी पहले, करी हुई थी, वो भी स्नो ट्रैकिंग करी हुई थी। स्नो ट्रैकिंग की है इन्होंने पहले? तो स्नो ट्रैकिंग, कैंपिंग दोनों हो चुकी है मेरी, तो पैराग्लाइडिंग बात बाकी। अच्छा, पैराग्लाइडिंग नहीं की थी आपने? और मतलब इन सारी एक्टिविटी करने का क्रेज था आप में? वेरी गुड। सो थैंक यू गाइज, एंड बहुत बढ़िया आपके साथ, मुझे भी मैनेज हो गया, हाफ पॉइंट क्रॉस हो गया, और शाम का कैंपिंग, बॉनफायर और अच्छा डिनर का मजा लेंगे आप, तो मॉर्निंग में एक अच्छी पैराग्लाइडिंग। सो थैंक यू एंड जय हिंद। जय हिंद, क्या बात है।